सो हेलो एवरीवन, मैं आदर्श आप सभी के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए कमाल की फ्रेश वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल चेंज केमिकल चेंज के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफी ज्यादा सिंपल है, सिंपल होने के साथ साथ काफी ज्यादा हार्ड है कुछ बच्चों के लिए। ओके, तो आज मैं आपको इसमें काफी अच्छे से समझाने वाला हूँ। ये डेफिनेशन जो यहाँ लिखा है आपने पढ़ पढ़ के आप थक चुके हो, पर एक्चुअल में आज मैं इसका कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होता क्या है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो का थोड़ा भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा वरना कहीं ना कहीं आपको छोड़ देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं बात करता हूं पहले फिजिकल चेंज के ऊपर। ओके, तो फिजिकल चेंज में बच्चों क्या होता है, मैं कोई एग्जांपल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल देता हूं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप एक बाउल ले लीजिए, बाउल में वाटर भर लीजिए और उसको फिर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर में 2 आवर्स के लिए रख दीजिए। इस बाउल को 2 आवर्स के लिए रख दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर उसको फ्रीजर में 2 आवर्स के लिए रखना है। तो आप जब 2 आवर्स बाद देखेंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वाटर था हमारा नॉर्मल वाटर वो हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों मेरा सवाल है कि क्या जो आइस है वो सालों साल लाखों साल वो आइस ही रहेगा? नहीं, वो 1 से 2 घंटे में फिर से वो पानी ही बनने वाला है। मतलब समझो, कॉन्सेप्ट समझो, पानी था, पानी से बर्फ बना, फिर से बर्फ से पानी बन जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो हमारा पानी ही बचने वाला है। आई होप आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा। जो स्टेट में था लास्ट में वही स्टेट में आएगा, वो फिजिकल चेंज हो जाता है। इसका अगर डेफिनेशन देखें तो मैटर चेंज फॉर्म्स, पानी था वो अपना मैटर चेंज कर लिया, पानी से बर्फ बन गया, बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। वो क्या, वो पानी से फिर सोना चांदी बन गया क्या? नहीं, पानी था बर्फ होना, फिर से बर्फ से पानी बन गया। तो ये होता हमारा गाइस फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज देखिए, काफ़ी से केमिकल चेंज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ले लीजिए मिल्क, मिल्क को आप कर्ड बना दीजिए, कर्ड मतलब दही, मिल्क से आप दही बना दीजिए। सो दोस्तों, मेरा एक सवाल है, क्या इस दुनिया का कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो दही से फिर से मिल्क बना सकता है? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, मिल्क से आपने दही बना दिया, कोई भी बना लेगा, मिल्क से आपने दही बना दिया, पर मेरा सवाल है दही से कोई मिल्क बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। मतलब भाई, जो एक बार हो चुका है दोबारा वो अपने मेन स्टेट में ना आए उसे केमिकल चेंज कहते हैं। मिल्क था, कर्ड बन गया, अब कर्ड से फिर से मिल्क तो बनने वाला नहीं है, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। सो देखिए, अब केमिकल रिएक्शंस फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, मिल्क था, मिल्क से न्यू प्रोडक्ट बन गया, कर्ड बन गया। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ऐसी सिंपल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल आदर्श ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस करिए और जरूर से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।